जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, फाइनल दोस्तों एक नया अपडेट आ चुकी है इंडियन आर्मी की तरफ से। दोस्तों जिसका भी दोस्तों डैशबोर्ड शो नहीं कर रहा था और लॉगिन दोस्तों कर लिए पा रहे थे, लेकिन दोस्तों डैशबोर्ड शो नहीं कर रहा था, वो भी दोस्तों अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों फाइनली आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा, हम इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से दोस्तों आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर फिल क्या करना होगा। सबसे पहले दोस्तों GIA रोल नंबर फिल करनी होगी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, उसके बाद लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप डायरेक्ट दोस्तों अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको रोल नंबर की आवश्यकता होगी, जो कि दोस्तों आपके पास रोल नंबर है ही नहीं। तो दोस्तों आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे, तो चलिए इस वीडियो में सारा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हर तरह की अपडेट देता रहता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ से सीधा हम बैक आ जाते हैं, उसके बाद चलते हैं दोस्तों इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पर। देख सकते हैं दोस्तों फाइनली हम इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं, और देख सकते हैं मेरा डैशबोर्ड का ऑप्शन ही नहीं है, तो हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें, क्योंकि दोस्तों हमको रोल नंबर ही पता नहीं है, और रोल नंबर दोस्तों आपका ऑफिशियल साइट लॉगिन करने के बाद ही आपका रोल नंबर पता चलेगा। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कोई भी डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन दोस्तों यह मेरा स्क्रीन शॉट है। दोस्तों आप सोच रहेंगे यार लॉगिन किया हुआ, लेकिन दोस्तों ये स्क्रीन शॉट है, लेकिन ये स्क्रीन शॉट कब लिए थे वो भी हम आपको डिटेल से दिखा देते हैं। जैसे ही दोस्तों हम चलते हैं, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स में स्क्रीन शॉट का 3 अप्रैल का दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन शॉट बताया हुआ है, लेकिन दोस्तों आज हम खुद 6 अप्रैल को दोस्तों सुबह के टाइम में चेक किए थे, जिसमें दोस्तों मेरा डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं था। लेकिन दोस्तों फाइनली अभी बात कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों जब हम अभी बात करें तो मेरा डैशबोर्ड का ऑप्शन आ चुका है, और दोस्तों आप हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा डैशबोर्ड आ चुका है। आप पूरा डिटेल्स भी मैच कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सेम आईडी है, और सेम आईडी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लिया गया था। अब देख सकते हैं मेरा डैशबोर्ड का ऑप्शन आ चुका है, उसको दोस्तों डाउनलोड कैसे करनी है। सबसे पहले आ जानी है दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन। जैसे ही आप हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पर आएंगे, जैसे ही दोस्तों आप हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पर आएंगे देख सकते हैं यहाँ पर आपका रोल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों रोल नंबर यहाँ से कॉपी कर लेनी है, उसके बाद सीधा दोस्तों बैक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों डाउनलोड ECEE एडमिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों सीधा आ जाएंगे डायरेक्ट लिंक पर, जहाँ पर दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रोल नंबर पेस्ट कर देनी है, उसके बाद डेट ऑफ फिल कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन होगा। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन करेंगे आपका एक नया ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको डाउनलोड ई एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों फटाफट से जाइए अपना लॉगिन कीजिए और देखिए कि आपका डैशबोर्ड आया है कि नहीं। अगर दोस्तों आया नहीं होगा तो दोस्तों आप वेट कीजिएगा 4-5 घंटा, फिर दोस्तों 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, उसके दोस्तों आपका भी डैशबोर्ड आ जाएगा और अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों जितने भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताएं सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। इसी तरह की हर अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके